कथा में आपको कहा था वो आज फिर कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आपको करोड़ों का धन देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, आपको धनपति करोड़पति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे पता नहीं, पर इतना याद रखना भोलेनाथ ने अगर हाथ पकड़ लिया तिजोरी तुम्हारी हो गई तो तुम्हें फिर करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें स्वयं मालामाल कर देगा स्वयं। देगा क्या? आपको कहा था ये अभी 16 तारीख को अमावस्या है अधिक मास की, प्रयास करना एक कनेर का पुष्प, सुना है ना कथा में, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, सुना है ना, एक कनेर का पुष्प देवजी ने महादेव को समर्पित दिल से भाव से श्रद्धा से विश्वास से आनंद से। अब जरा विचार करिए डिवाइडर पर आपके दतिया में बीच में रोड पे इतना सारा कनेर लग रहा है, गाय खाती है क्या उसको, पशु पक्षी खाता है क्या उसको, बकरी कोई जानवर खाता है क्या कनेर को? नहीं, जहरीला है कनेर, कनेर का पुष्प भी जहरीला है, महादेव को समर्पित होता है क्योंकि वो कनेर किसी के काम का नहीं है। मेरा महादेव चुनता भी उसी को है जो किसी के काम का नहीं, वो महादेव के काम का हो जाता है, वो शिव के काम का। इसीलिए शास्त्र कहे हरि ओम में ओम समाई, मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम में ओम समाया, मेरा भोला नगर।